हेलो एंड वेलकम टू ऑटो कंपेयर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कंपैरिजन लेके आए हैं भारत की एसयूवी टाटा हैरियर और एक जापानीज एसयूवी टोयोटा हाइराइडर के बीच में। ये तो टाटा हैरियर काफी ज्यादा भौकाली गाड़ी मानी जाती है और इसकी रोड प्रेजेंस लोगों का दिल जीतती है। वहीं टोयोटा हाइराइडर एक ऐसी गाड़ी है जो कि भौकाली होने के साथ साथ अच्छा खासा वैल्यू फॉर मनी पैकेज दे रही है। आज की वीडियो में कंपेयर करेंगे इन दोनों में क्या है डिफरेंस और कौन सी गाड़ी रहेगी बेहतर आपके लिए। सबसे पहले दोस्तों हम सेगमेंट की बात करेंगे। सेगमेंट वाइज दोनों ही मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है, दोनों में 5 लोग बैठ सकते हैं। डायमेंशन वाइज बात करूं तो देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों के तीनों फैक्टर्स आपके सामने हैं और इन तीनों ही फैक्टर में जो टाटा हैरियर है ये टोयोटा हाइराइडर से काफी बड़ी है। आप लंबाई देखिए, चौड़ाई और ऊंचाई देखिए, इन तीनों फैक्टर्स में अगर मैं कहना चाहूं कौन सी गाड़ी का रोड प्रेजेंस ऑन रोड ज्यादा धाकड़ नजर आता है तो वो डेफिनेटली टाटा हैरियर है। टोयोटा हैरियर भी अपनी जगह एक अच्छी गाड़ी है लेकिन यहाँ पर जो हैरियर है ये ज्यादा बड़ी है। बूट स्पेस आपको टाटा हैरियर में देखने को मिलता है 425 लीटर का, हाइराइडर में आता है 373 लीटर का। दोनों ही के गाड़ी के छत पे आपको पैनारोमिक रूफ देखने को मिलता है। यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस की मैं बात करूं दोनों की सेगमेंट में तो टाटा हैरियर में आपको देखने को मिलता है ADAS टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से ये गाड़ी ऑटो पायलट पे भी चल सकती है, ये एक एडवांस ड्राइविंग सिस्टम होती है। वहीं टोयोटा हाइराइडर की सबसे बड़ी खासियत इसका ऑल व्हील ड्राइव मॉडल जो कि हैरियर मिशन करता है। दोनों में एक एक चीज कम है तो एक एक चीज ज्यादा भी है। इंजन की बात करूं तो टाटा हैरियर में दिया गया है 2000cc का डीजल इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 167 bhp विद टॉर्क ऑफ 350 Nm टॉर्क। गाड़ी में मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों प्रकार के ट्रांसमिशन आते हैं। वही बात करूं टोयोटा हाइराइडर काफी अच्छा वैरायटी देती है इंजन के नजरिए में। इसमें आपको एक हाइब्रिड इंजन, एक पेट्रोल इंजन और एक सीएनजी इंजन आता है। हाइब्रिड की बात करूंगा, 1500cc का हाइब्रिड इंजन पावर जनरेट करता है 91 bhp विद द टॉर्क ऑफ 122 mm। दूसरा है इसमें 1500cc का नॉर्मल पेट्रोल इंजन जो कि पावर जनरेट करता है 101 bhp विद द टॉर्क ऑफ 136 Nm टॉर्क। तीसरा इसमें 1500cc का सेम सीएनजी इंजन भी आता है जो कि 86 bhp का पावर विद टॉर्क ऑफ 121 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है। वहीं बात करें इस गाड़ी के वेरिएंट में तो इस गाड़ी में आपको मैनुअल, ऑटोमेटिक और ऑल व्हील ड्राइव तीनों ही मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे इंजन की बात करो तो टाटा हैरियर में सेम इंजन है लेकिन इसका जो सेम इंजन है ये टोयोटा हाइराइडर के तीनों इंजन के बराबर है, क्योंकि आप टॉर्क वैल्यू से अगर देखोगे ना तो कहीं भी हाइराइडर खड़ी नहीं हो रही है और पावर वैल्यूज में कहीं भी हाइराइडर टाटा हैरियर के पास आसपास भी नहीं दिखती है। सो इन टर्म्स ऑफ इंजन पावर यू कैन सी द डिफरेंस। माइलेज की बात करूं तो आपको टाटा हैरियर में देखने को मिलता है 14.6 kmpl का माइलेज, लेकिन इस मामले में टोयोटा हाइराइडर आपका दिल जीतेगी। ये गाड़ी देती है पेट्रोल पे 17 का माइलेज, हाइब्रिड मॉडल पे देती है 27 किलोमीटर का माइलेज इतनी बड़ी गाड़ी, और सीएनजी पे 26 किलोमीटर का माइलेज। तो यहाँ पे हाइराइडर को इकोनॉमिक और पॉकेट फ्रेंडली ज्यादा मुझे देखने में लगता है क्योंकि तो इसका माइलेज दिल जीत लेता है और टाटा हैरियर का माइलेज मुझे इतना पसंद नहीं आया, लेकिन टोयोटा हाइराइडर बेस्ट है माइलेज पे। इन्फोटेनमेंट सिस्टम की बात करूं तो इस गाड़ी में आता है 10.25 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम, टाटा हैरियर की बात कर रहा हूं। एंड्रॉइड एप्पल नेविगेशन, नॉइस स्पीकर, 360 डिग्री का पार्किंग व्यू कैमरा आ जाता है। टोयोटा हाइराइडर की बात करूं तो इस गाड़ी में आता है 9 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम, एंड्रॉइड एप्पल नेविगेशन और इसमें आपको नॉइस स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। 360 डिग्री का पार्किंग व्यू कैमरा इसमें भी आ जाता है। तो दोनों का इंटीरियर ऊपर नीचे मैं दिखा दे रहा हूँ, कौन सी गाड़ी का इंटीरियर आपको पसंद आ रहा है कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। अगर मेरी नजर में देखें तो दोनों का इंटीरियर बहुत ज्यादा बेसिक है, मैं बहुत एडवांस नहीं कह सकता। अगर एडवांस कहना रहेगा तो एक्चुअली 700 देख लो आप, तो उस टाइप का इंटीरियर दोनों का नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सिंपल, बहुत प्रैक्टिकल और काफी इफेक्टिव है। सेफ्टी वाइज बात करूं तो करंट टाइम में दोनों ही गाड़ियों की सेफ्टी टेस्ट नहीं हुई है, लेकिन अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूं तो टाटा हैरियर भाई एकदम चलता फिरता टैंक है और टोयोटा हाइराइडर एक टोयोटा की गाड़ी है, तो मैं ही उम्मीद करूंगा कि टोयोटा वालों गाड़ी मजबूत रहेगी, कम से कम 4-5 स्टार ला दे, बाकी इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं। प्राइसिंग की बात करूं तो यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। टाटा हैरियर डीजल में 24 मॉडल में आती है, कीमतें शुरू होती है 17,50,000 से, टॉप मॉडल 28,14,000 में जाती है। टोयोटा हाइराइडर में पेट्रोल में 11 मॉडल्स आते हैं, कीमत शुरू होती है 12.5 लाख से, टॉप मॉडल 23 लाख में आती है। सीएनजी में 2 मॉडल्स आते हैं, कीमत शुरू होती है 15,60,000 से और टॉप मॉडल 17,80,000 में आती है। सो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं टोयोटा हैरियर और टाटा हैरियर को तो मेन डिफरेंसेस आप नोटिस करोगे तो टाटा हैरियर एक अपर सेगमेंट की गाड़ी है। अगर आपको ये गाड़ी चाहिए तो जेब में 18 लाख रुपए रख लेना। टोयोटा हैरियर का क्या है कि आपके पास 13 लाख है तो भी खरीद सकते हो, 14 लाख है तो भी कर दो, 15 लाख में भी आ जाती है
और सीएनजी तो 70 लाख में आ जाएगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी वैल्यू फॉर मनी और एक नया क्रिएटिव पैकेज टाटा हैरियर, सॉरी टोयोटा हाइराइडर में है। और टाटा हैरियर एक चलता फिरता टैंक है, इसको कहना ये ज्यादा बहुत चलेगा, एक पावरफुल इंजन और एक पावरफुल दमदार गाड़ी है टाटा हैरियर। और टोयोटा हाइराइडर एक इकोनॉमिकल गाड़ी कहना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसकी इंजन की जो पावर है वो हैरियर के सामने कहीं नहीं मुझे दिख रही है। वरना दोस्तों आपको कौन सी गाड़ी पसंद आई कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और भी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ऑटो कंपेयर।